क्या हुआ भाई साहब? मम्मी पापा आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? मम्मी हमें डांटी है, हमें मारी है, लेकिन हमसे बात तो कीजिए ना मम्मी। और मम्मी हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, मम्मी प्लीज हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन मम्मी यकीन कीजिए, हम कल सुबह सब लोगों को सब कुछ बताने वाले थे, यही बताने वाले थे कि क्या यही कि इतने दिनों से तुम हमारे आंखों में धूल झोंकती आ रही हो। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? एक माँ अपने बेटी के चेहरे को देखकर ही पता लगा लेती है कि वो झूठ बोल रही है। हम इंतजार करते रहे रचना कि तुम हमें आकर सारी बातें खुद बता दोगी। वाह बेटा, अपने माँ बाप के भरोसे की खूब इज्जत की है तुमने। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दीजिए कि आखिर हुआ क्या? अपनी बहन से पूछो गुंजन कि ये आधी रात के वक्त घर से बाहर कहां गई, क्या कर रही, किसके साथ है? बताओ मुझे रचना, बात क्या है? मुझे पता है मेरी बहन ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। बस करो गुंजन, ये वक्त रचना की तरफदारी करने का नहीं है। रचना बेटा तुम बता क्यों नहीं देती आखिर? आखिर बात क्या है? चुप क्यों हो रचना, बोलती क्यों नहीं? रचना अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हमें पता कैसे चलेगा? हम घर वालों से नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? सच मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसलिए आया हूं ताकि आप लोग रचना को दोषी न ठहराएं। अंकल, आंटी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे अपनी बात को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक मौका दीजिए। पहली बात तो यह कि रचना और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। एक्चुअली रचना और मैं वहां पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक वहां पे रेड पड़ गई और हम लोग गलत जगह पर गलत समय पर फंस गए। बस करो केटे। मैं रचना से प्यार करता हूं, शैल, हम समझ सकते हैं बेटा, इस खबर से तुम्हें बहुत झटका लगा होगा, पर बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें बुराई क्या है? और फिर
तुम तो नन्हे को जानती हो, कितना होनहार लड़का है वो। अब नहीं जानती, क्योंकि जिस पर इतना भरोसा किया उसने ही हमारे पीठ पर छुरा फूंक दिया। मम्मी, लेकिन केटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप उन पर भरोसा भी ना करें। रचना, इसकी तरफदारी करना बंद करो तुम। मौसा जी, जितना मैं केटी को जानती हूँ, जितना देखा है, जितना सुना है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर रचना भी समझदार है, हमें उसकी चॉइस पर भरोसा रखना चाहिए। गुंजन, चुप करो। बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना? हमारे ख्याल से जिसे जो भी कहना था वो कह चुका है, और अंत में हमारे समझ में सिर्फ एक ही बात आई, और वो ये है रचना, कि तुम आज के बाद इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे। सीधा अपने कमरे में जाओ, जाओ। रचना, तुमने सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या कहा? जाओ, अंदर जाओ। आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, किंतु मेरी मॉम को बीच में लेकर मत आइए प्लीज। क्यों ना लेकर आओ, बात हमारी बेटी की है। वैसे हमें तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी हूं, सच्चा झूठा गलत सही अपने वजूद से हो, इसलिए आपको मेरी मां को बीच में लाने का कोई हक नहीं है। आप होते कौन है? कबीर, बस बहुत बोल लिया तुमने। इनके साथ तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम जा सकते हो। ठीक है, रचना और मैंने कोई पाप नहीं किया है, और अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए दादी। रचना, तुम अभी इसी वक्त अपने कमरे में चली जाओ, और आज के बाद तुम इस घर से अपना एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। नन्हे की मां के बारे में कौन नहीं जानता? जिस औरत के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा, उसका बेटा तो उससे कम से कम 2-4 कदम आगे ही निकलेगा ना। सच चाहे आज का हो या पुराना, सच सच ही रहता है, भुलाए नहीं भूलता। तो लौट कर नहीं आई मां, लेकिन आपका नाम लौट लौट कर मेरी खुशी, मेरा चैन, सब कुछ लेकर चला गया। क्या हुआ भाई साहब? मम्मी,
पापा आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? मम्मी हमें डांटी है, हमें मारी है, लेकिन हमसे बात तो कीजिए ना मम्मी। और मम्मी हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, मम्मी प्लीज हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन मम्मी यकीन कीजिए, हम कल सुबह सब लोगों को सब कुछ बताने वाले थे, यही बताने वाले थे कि क्या यही कि इतने दिनों से तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती आ रही हो। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? एक माँ अपने बेटे के चेहरे को देखकर ही पता लगा लेती है कि वो झूठ बोल रही है। हम इंतजार करते रहे रचना कि तुम हमें आकर सारी बातें खुद बता दोगी। वाह बेटा, अपने माँ बाप के भरोसे की खूब इज्जत की है तुमने, मगर क्यों रचना, क्यों किया तुमने ऐसे? बताओ हमें, हम कहाँ गलत हो गए? कब हमने तुम्हें झूठ बोलने का पाठ सिखाया? जो तुम चाहती थी सब किया तुम्हारे लिए, तुम्हें आजादी दी, तुम पर भरोसा किया, इस सब का ये सिला दिया तुमने हमें, हाँ? मौसी माँ, कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या? अपनी बहन से पूछो गुंजन कि ये आधी रात के वक्त घर से बाहर कहाँ गई, क्या कर रही है, किसके साथ है? बताओ मुझे रचना, बात क्या है? मुझे पता है मेरी बहन ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज बताओ रचना। बस करो गुंजन, ये वक्त रचना की तरफदारी करने का नहीं है। रचना बेटा, तुम बता क्यों नहीं देती आखिर? आखिर बात क्या है? चुप क्यों हो रचना, बोलती क्यों नहीं? रचना, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हमें पता कैसे चलेगा? हम घर वालों से नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? सच मैं बताता हूं आप लोगों को। यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग रचना को दोषी न ठहराएं। अंकल, आंटी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे अपनी बात को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक मौका दीजिए। पहली बात तो ये कि रचना और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। एक्चुअली रचना और मैं वहां पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक वहां पे रेड पड़ गई और हम लोग गलत जगह पर गलत समय पर फंस गए। बस करो केटी। मैं रचना से प्यार करता हूं, शैल, हम समझ सकते हैं बेटा, इस खबर से तुम्हें बहुत झटका लगा होगा, पर बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपस में एक दूसरे से प्यार करते इसमें बुराई क्या है? और फिर तुम तो नन्हे को जानती हो, कितना होनहार लड़का है वो। अब नहीं जानती, क्योंकि जिस पर इतना भरोसा किया उसने ही हमारे पीठ पर छुरा फूंक दिया। मम्मी, लेकिन केटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम उन पर भरोसा भी ना
रचना, इसकी तरफदारी करना बंद करो तुम। मौसा जी, जितना मैं केटी को जानती हूँ, जितना देखा है, जितना सुना है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर रचना भी समझदार है, हमें उसकी चॉइस पर भरोसा रखना चाहिए। गुंजन, चुप करो। बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना? हमारे ख्याल से जिसे जो भी कहना था वो कह चुका है, और अंत में हमारे समझ में सिर्फ एक ही बात आई, और वो ये है रचना, कि तुम आज के बाद इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। सीधा अपने कमरे में जाओ, जाओ। रचना, तुमने सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या कहा? जाओ, अंदर जाओ। आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, किंतु मेरी मॉम को बीच में लेकर मत आइए प्लीज। क्यों ना लेकर आओ, बात हमारी बेटी की है। वैसे हमें तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं। मैं जो भी हूं, सच्चा झूठा गलत सही अपने वजूद से हूं, इसलिए आपको मेरी मॉम को बीच में लाने का कोई हक नहीं है। आप होते कौन है? कबीर, बस बहुत बोल लिया तुमने। इनके साथ तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम जा सकते हो। ठीक है, रचना और मैंने कोई पाप नहीं किया है, और अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए दादी। रचना, तुम अभी इसी वक्त अपने कमरे में चली जाओ, और आज के बाद तुम इस घर से अपना एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। नन्हे की मां के बारे में कौन नहीं जानता? इस औरत के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा, उसका बेटा तो उससे कम से कम दो चार कदम आगे ही निकलेगा ना। सच चाहे आज का हो या पुराना, सच सच ही रहता है, भुलाए नहीं भूलता। लेकिन आपका नाम लौट लौट कर मेरी खुशी, मेरा चैन सब कुछ लेकर चला गया। बेटी इतनी सयानी हो गई, ये अपने ही मां बाप से वो झूठ बोलने लग गई है। मां होकर भी हम जान नहीं पाए। बीच बीच में हमें शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। क्या तुम्हें शक था शायद, लेकिन फिर भी तुमने उसके ऊपर ठीक से निगरानी नहीं रखी, उल्टा उसे बढ़ावा देती चली गई। लेकिन अब और नहीं,
हम इस जी के जंजाल से रचना को फौरन बाहर निकाल कर रहेंगे, बिना देरी किए हुए। मैं कमिंग सर। ओ मिस्टर मयंक, कमिंग कमिंग। सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। यू मस्ट बी जोकिंग मिस्टर मयंक। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तुम नौकरी छोड़ोगे 25 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। भूल गए? सो हैव यू गॉट द मनी? ऐसे लाए? रिलैक्स चारू डार्लिंग। मिस्टर मयंक, आई एम सॉरी, योर ex-husband, क्या कहती उसे जाने दें। भाई चारू को तो अच्छा लगा, लकी गए, यू फ्री टू गो। थैंक यू सर। एक मिनट मैं, तुम एक चीज भूल रहे हो। मयंक अपनी एक्स वाइफ का बर्थडे भूल गए। भाई सर, अरे विश तो कर लो। हैप्पी बर्थडे मिसेस सर। अरे ये क्या बात हुई, इतनी ड्राई विश से बात नहीं बनेगी। आज शाम को बर्थडे पार्टी पे आना अपनी वाइफ को लेकर। मम्मी पापा, हमारा डर सही निकला। मैं इसी रिएक्शन का डर था, इसलिए जाकर भी आप लोगों से हम सच नहीं कह पाए। वरना जानबूझकर हम आप सबको धोखा या दुख क्यों देते। लेकिन ये सच है कि हम और केटी लेकिन मम्मी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको और पापा को पसंद ना हो या जिसकी आप इजाजत ना दें। अगर ऐसा है और हम तुमसे कहें कि तुम उससे मिलना जुलना बोलना चालना सब बंद कर दो तो क्या तुम हमारी बात मानोगी? बोलो। हाँ पापा, हम आपकी बात मानेंगे। दीदी एक बात कहें आपसे, रचना बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा वो सोच सकती है। ऐसे सख्ती करेंगे तो भैया हम सीमा की बात से बिल्कुल सहमत हैं। रचना कोई 14-15 साल की बच्ची नहीं जिसे जिसे आप डांट डपट कर अपनी बात मनवा लें। वैसे भी एक उम्र के बाद हमें बच्चों के माँ बाप कम दोस्त ज्यादा बनना पड़ता है, और फिर हम अपने फैसले उस पर लाद नहीं सकते। भैया
हम आखिर में चाहते क्या? अपने बच्चों की खुशी ही ना। क्या हुआ गुंजन, घर पे सब थोड़ा नॉर्मल हुए कि नहीं? और रचना, रचना कैसी है? मौसा जी अब भी बहुत नाराज है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा शायद। और रचना, वो तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गई है, पर आई एम श्योर बाद में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। खैर ये सब छोड़ो, ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दिया, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो, कोई नई मुसीबत है क्या? कुंचन क्या बताऊं तुम्हें, पर तुम्हें उस पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं कुंचन, तुम यहीं रुको घर पे, यहां ऑलरेडी इतनी टेंशन है, वहां मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? पता नहीं कैसी मुसीबत में फंस गया हूं। वैसे तो मैं यहाँ रचना के साथ रुकना चाहूंगी, मैं वो बहुत अकेली है बेचारी, पर मैं तुम्हें उस पार्टी में अकेले नहीं जाने दे सकती। वैसे भी उस चारू से भी तो मिलना है, देखो तो सही वहां क्या पक रहा है। मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में आऊंगी मयंक। हाय मयंक जी। गुंजन, मयंक जी को यहां से ले जाओ, इससे पहले जीएस उन्हें कुछ कर दे। ओके, थैंक्स। कम गुड इवनिंग मिस्टर गर्ग, बहुत अच्छा किया तुम आ गए, गुड डिसीजन। मिस्टर सहगल, आप अगर प्लीज उस रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर दे तो हम लोग वापस चले जाएंगे, प्लीज। अभी अभी तो आए और जाने की बात कर रहे हो मिस्टर गर्ग, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से नहीं मिलाओगे हमें? लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर गर्ग इज अ वेरी लकी मैन टू हैव अ पार्टनर लाइक मिसेस गुंजन गर्ग। ऑल द गुड क्वालिटीज इन वन, इंटेलिजेंट, beautiful, smart and bold. I say special cheers to Gunjan Garg. Lekin aap bahut bure husband hain. I mean, aaj aapki wife ka birthday hai na, to toast to uske liye hona chahiye, mere liye nahi. Kyun everyone? सर, मैम को बोलिए ना केक काटने के लिए। प्लीज सर, मैम को बोलिए केक काटने के लिए, क्यों गाइस? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।